आज मैं आपसे स्टोरी शेयर करने वाला हूँ फ्रॉम दिस वेरी अमेजिंग बुक ऑफ स्वामी विवेकानंद। उन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी सुनाई थी एंड इसका जो लेसन है वो आपको इसके बाद समझ में आ जाएगा बहुत ही क्लियरली। और आप सभी कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता दीजिएगा इस शॉर्ट स्टोरी के बाद कि व्हाट इज द मेन लेसन विच यू हैव गॉट, ओके, अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पर्टिकुलर स्टोरी है इट इज़ रिगार्डिंग द टू एस्पिरेंट्स एंड नारदा। अब नारदा का तो आप सभी जानते हैं, नारद, या अंग्रेजी में बोलेंगे तो नारदा। ही वॉज अ ग्रेट सेज एंड ही वॉज अ गॉड सेज, यानी अमंग द गॉड्स एज वेल देर आर वेरियस सेजेस एंड नारद वॉज वन अमंग देम। तो ही वॉज रोमिंग हेयर एंड देयर, एज यू नो दैट ही लव्स टू ट्रेवल। तो ड्यूरिंग द ट्रेवल ही यू नो गॉट वन ऑफ द एस्पिरेंट एंड दैट पर्टिकुलर एस्पिरेंट किस चीज़ के लिए एस्पायर वो कर रहे थे? ही वॉज एस्पायरिंग फॉर द ट्रुथ, द रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ एंड मीटिंग द बिलेवड गॉड, राइट? एंड दैट गाय वॉज साधु, वॉज मेडिटेटिंग फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स, और इतनी इंटेंस तपस्या वो कर रहे थे कि उनके आस पास इर्द गिर्द जो चीटियों का हिल बन जाता है ना आसपास, वैसा बन गया था। एंड जब वो नारद जी वहाँ से गुजरते हैं तो जो साधु थे वो पूछते हैं कि भगवान से जाके ज़रूर पूछिएगा कि मुझे कब मोक्ष मिलेगी, मोक्ष की प्राप्ति मुझे कब होगी, कब मुझे प्रभु मिलेंगे। अब नारद बोलते चलो मैं पूछ के बताता हूँ, जब मैं दोबारा आऊँगा तो बताऊँगा। उसके बाद नारद फर्दर आगे जाते हैं। व्हेन दे मूव फॉरवर्ड तो थोड़ा दूर आगे जाके एक और एंथुजियास्टिक एस्पिरेंट दिखता है, साधु दिखते हैं जो नाचते गाते हुए भगवान के भजन कर रहे होते हैं और बहुत एंथुजियाज्म से भजन कर रहे होते हैं। वो भी नारद से वही पूछते हैं कि भगवान से ज़रूर पूछ के आना कि कब मुझे मोक्ष मिलेगी। अब नारद जी भगवान के पास जाते हैं, पूछते हैं और जवाब उनके पास होता है। जब वो वापस उसी रीजन में आते हैं तो नारद जी जब उस पर्टिकुलर सेंट के पास पहुंचते हैं जिसके आसपास चींटियों ने पूरा हिल बना लिया था, जो बहुत इंटेंस तपस्या इतने सालों से इतने वर्षों से करे जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि क्या भगवान ने आपको बताया? नारद जी ने बताया कि हाँ मुझे बता दिया, आपको भी चार बर्थ और लगेंगे, चार बार आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा और तब जाके ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो पाएगी। अब ये सुन के वो जो साधु था वो बहुत ही दुखी हो गया और बहुत ही परेशान हो गया कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी साधना कर रहा हूँ और फिर भी मुझे चार अभी जन्म और लगेंगे और तब जाके मुझे प्रभु मिलेंगे। बहुत दुखी हो गया। और वहीं पे फिर आगे नारद जी गए तो जो दूसरा एस्पिरेंट था, द सेकंड साधु, ही वाज अगेन डांसिंग, भजन कर रहा है प्रभु के पूरे मजे से, इंटेंसली और एंजॉय करते हुए। एंड ही आज की, नारद जी आपने मेरे बारे में पूछा मुझे कब मोक्ष मिलेगी, तो नारद जी ने बोला कि ये वृक्ष दिख रहा है आपको? बोले हाँ ये मुझे वृक्ष दिख रहा है, इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं इतने जन्म आपको अभी और लगेंगे और उसके बाद आपको प्रभु मिलेंगे। एंड ये सुन के जो साधु थे जो भजन कर रहे थे वो भजन अपने और भी बढ़ा जाते हैं प्रभु के प्यार में, वो और भी खुश हो जाते हैं कि इतना जल्दी मुझे प्रभु मिल जाएंगे क्या, वो और भी एक बहुत खुश हो गए। जैसे ये हुआ इंस्टेंटली प्रभु जो सेकंड एस्पिरेंट थे उनके सामने प्रकट हो गए और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो इससे अपने को क्या समझ में आता है? वैसे तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको क्या समझ में आता है, बाकी मुझे जो समझ में आया और जो स्वामी विवेकानंद स्टोरी से हमें बताना चाहते हैं, दैट इज दैट इस तरह का प्रिजर्वेरेंस, इस तरह का इंटेंस डिज़ायर हमारे अंदर होना चाहिए कि चाहे कितने ही जन्म क्यों ना लग जाएं, कितने ही जन्म क्यों ना हो जाएं, लेकिन मैं लगातार बहुत इन्जॉय करते हुए, बहुत पैशन के साथ इस जर्नी में प्रिजर्वेरेंस के साथ आगे बढ़ता रहूँगा। अगर इस तरह का एटीट्यूड हमारा होगा प्रभु को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए, तो हमें वो जल्द ही मिल पाएंगे।